आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गई सो टुडे आर क्वेश्चन इज लेट y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन एंड वाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर कंसीडर जे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस वाई होल अपॉन में एक्स वाई I I is equals to integration x plus y whole upon me x y y y upon square dx, J minus I is equals to gx and g g and of 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 then the value of g of e is, ठीक है? तो और y of e की value क्या है e square है ठीक है तो अब हमने J को consider किया है इंटीग्रेशन में x प्लस वाई होल अपॉन में एक्स वाई डी वाई के इक्वल ठीक है और i क्या कंसीडर किया है हमने i इज इक्वल टू है हमारा x प्लस वाई होल अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स और j माइनस आई क्या है g ऑफ x के इक्वल है ठीक है तो यहाँ से हम अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ठीक है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा j को सॉल्व करेंगे तो j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई डी वाय के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा लॉग वाई ये हो जाएगा लॉग वाय प्लस वन अपॉन एक्स तो कांस्टेंट हो गया तो और इसका वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा y x के इक्वल ठीक है इसी तरह आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर राइट तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन में वन अपॉन एक्स प्लस

आई जी ऑफ एक्स है ठीक है तो जे माइनस आई निकाल लेते हैं तो जे इज लॉग वायन वाय प्लस वाई बाय एक्स माइनस में एल एन ऑफ एक्स माइनस में वाई बाय एक्स तो माइनस वाई बाय एक्स से प्लस वाई बाय एक्स कैंसिल राइट माइनस आए ना तो माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस आ जाएगा तो कैंसिल तो नहीं होगा ठीक है यहाँ से ये यह क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ये यह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स जे माइनस आई इज इक्वल टू येगा एल एन ऑफ वाई माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स टू वाई बाय ठीक है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगेगी देखो लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है उसको हम लिखते हैं लॉग एम अपॉन एन की इक्वल ठीक है तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की ये हो जाएगा जे माइनस आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ राइट ठीक है तो अब ये हमारा जी ऑफ एक्स के इक्वल है क्योंकि आई J, J क्या है जी ऑफ एक्स है तो ये हमारा जी ऑफ एक्स है एल एन ऑफ वाई बाय एक्स प्लस टू इंटू वाई बाय एक्स ये हमारा जी ऑफ एक्स का फंक्शन है अब हमसे ये कह रहा है कि जी ऑफ वन की वैल्यू क्या है वन के इक्वल है ठीक है तो g of one क्या है, है. तो तो जगह तो वन रखें तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ वाई बाय इज वाय प्लस टू इन टू वाई बाय इज वायक्ल टू वन एल एन वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन तो अब हमसे पूछ रहा है g ऑफ e की वैल्यू राइट right? g ऑफ e की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो देखो g ऑफ वन इज ईक्वल्स टू वन कैसे है कि जब x अगर हमारा वन था तो y की वैल्यू क्या थी वन थी राइट right? अब इसी तरह x हमारा e है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा ई e स्क्वायर हो जाएगी y ऑफ e इज़ ईक्स टू ई स्क्वायर से क्या मतलब है कि वैन x इज ईक्स टू e वैन x इज ईक्वल्स टू e देन y इज ईक्स टू ई स्क्वायर राइट ठीक है तो यहाँ से ये आ गया तो यहाँ से अगर हम जी ऑफ ई की वैल्यू निकाले तो अगर हम एक्स को ई e रख रहे हैं तो वाई को क्या रखेंगे ई e स्क्वायर रखेंगे तो एल एन ऑफ ये क्या हो जाएगा वाई की जगह ई स्क्वायर बाई ई प्लस टू इन टू ये क्या हो जाएगा वाई इज ई स्क्वायर बाई ई ये गिवन कंडीशन है हमारी राइट वाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू इस ये हमारी गिवन कंडीशन है ठीक है तो यहाँ से तो ये आ गया तो जी ऑफ ई इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा ई e से ई e कैंसिल तो एल एन ऑफ ई प्लस टू इन ई और लॉग ई e की वैल्यू क्या होती है one होती है तो जी ऑफ ई की वैल्यू क्या टू प्लस वन के इक्वल आ जाएगी जी ऑफ ई की वैल्यू और यही क्या होगा हमारा हो तो e e आंसर आ जाएगा ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या